चलिए रुकेंगे इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। आपको बता दें योगेंद्र यादव एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कार्रवाई जो है योगेंद्र यादव पर की है। सिंगू बॉर्डर पर बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने पर सस्पेंड किया गया योगेंद्र यादव को। ये जानकारी लखीमपुर हिंसा में शुभम मिश्रा की मौत हुई थी तो एक हफ्ते पहले लखीमपुर गए थे योगेंद्र यादव। और जानकारी मिल रही है योगेंद्र यादव एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऐसी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया है। तो सिंगू बॉर्डर पर बैठक में फैसला लिया गया है। जो सिंगू बॉर्डर में बैठक हुई है सोनीपत से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें लखीमपुर हिंसा में शुभम मिश्रा की मौत हुई थी और एक हफ्ते पहले लखीमपुर गए थे योगेंद्र यादव। राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र को लेकर जो कार्रवाई राम सिंह मार की गई है एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि वजह बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने की बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लखीमपुर में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है अलग अलग संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे लखीमपुर में। और लखीमपुर में पहुंचने के बाद जो है योगेंद्र यादव जो है भाजपा कार्यकर्ता जो मिश्रा है उसके शुभम मिश्रा के घर पर भी हो गए थे। तो उसके अवैज में जो है यहाँ पर गुरुवार को जो है एक मीटिंग की गई थी कुंडली बॉर्डर पर। और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है निर्णय लेते हुए एक सप्ताह के लिए योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बैठक है 9 सदस्यों की एक प्रमुख कमेटी है और उस कमेटी के सदस्यों में जो है योगेंद्र यादव को भी अहम माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ही जो है पूरे आंदोलन की जो है अगुवाई करती है और अगुवाई करने के साथ साथ जो निर्णय होते हैं तमाम निर्णयों में उसको शामिल रखते हैं, तो इसी कमेटी के सदस्य योगेंद्र यादव भी रहे हैं लेकिन उसको एक महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जो तथ्य जो सामने आ रहे हैं योगेंद्र यादव की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। जब हम किसान परिजनों के घर जा रहे हैं तो हमें जिस घटनाक्रम में मिस्टर शुभम मिश्रा की भी मौत हुई है तो ऐसे में उसके घर भी जाना बनता है, तो इसलिए उन्होंने यही कहा है कि मैं अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता और इसलिए मेरा वहां जाना भी जायज है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको गलत ठहराया है और गलत ठहराते हुए उसे एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी, चलिए फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है।